एग्जाम एक्सप्रेस आप सभी के लिए लेके आया है एसएससी जेई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो जिससे आप सभी को मैं अपने मकसद तक पहुंचा सकूं। हर तरह की जॉब वैकेंसी जानकारी के लिए एग्जाम एक्सप्रेस सब्सक्राइब कर इसी का टिकट कटवा ले, तो हम अपनी नींद उड़ा के अब आप सभी का नींद उड़ाने आया हूँ। दोस्तों, तो आइए हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी ना हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अपने वातावरण के बारे में, बस उसी के बारे में तो फिर से जानकारी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो 16 मार्क की क्वेश्चन आ जाएगी, और बहुत इजीली आ जाएगी। जिसके बाद फिजिक्स देख लीजिए, लाइट जल रही है ना, ये फिजिक्स का ही कमाल है। और हमारे न्यूटन दादा वो भी स्मार्ट थे अपने ज़माने में। और रही केमिस्ट्री की ना, तो केमिस्ट्री भी थोड़ी सी बोरिंग सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन अच्छी सब्जेक्ट है, पढ़ लीजिए, क्योंकि जॉब चाहिए बाबू तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब दूसरी सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री जानते हैं ना, अपने ज़माने में अकबर भी ना बहुत अच्छा राज किए थे, क्योंकि उसके पास ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत अच्छा था। इसीलिए ना आजकल की आईएएस ऑफिसर सब हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि अपने राज को कैसे चलाएं, कैसे हम किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं और किसी पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी राज शासन जिसको बोल सकते हैं, यही है हमारी हिस्ट्री। और उस हिस्ट्री को ना इम्प्रूवमेंट करके पॉलिटी बनाया गया है, जो कानून सब पे लागू होता है। और रही हिस्ट्री की बात, तो हिस्ट्री पहले ऐसा होता था कि किसी राजा की शासक में ही और उसके एरिया में ही काम करता था, लेकिन पॉलिटी वो है जो सब पे लागू होता है। और अब आई दूसरी सब्जेक्ट इकोनॉमी, जिसका वेटेज है 9 मार्क का पूछता है, समझते हैं ना। इकोनॉमी, अगर एक पॉकेट जॉब में रहेगी ना, तो दूसरे की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसी को इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और दूसरी बात आई बायोलॉजी, फिट रहो हिट रहो मस्त। तो अब बात करने जा रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग में। इस पहला सब्जेक्ट आता है बिल्डिंग मटेरियल, इससे ना वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें पढ़ना भी कुछ नहीं रहता है, बस अपने बिल्डिंग के बारे में, कैसी छत है कैसी वाल है, बस इतना ही जानना चाहते हैं। और सारी बहुत सारी होती है फॉर्मूला सब, वो भी थोड़ी सी याद कर लीजिए ना, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस 24 मार्क तो इसे ही आ जाएगा आप लोगों को। दूसरी सब्जेक्ट रहा आरसीसी। आरसीसी भी वही का है, एक्सटेंशन फॉर्म बोल सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल का, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल में भी ना उसका क्वांटिटी पढ़ चुके रहते हैं, तो आरसीसी भी सिंपल ही है। और टॉस, टॉस में भी ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11 मार्क की है, कुछ करने के लिए तो कुछ करना ज़रूरी है। और रहा सर्वे, सर्वे तो चाहिए, बिल्डिंग बनाइएगा मालूम पड़ेगा कि दूसरे के ज़मीन में बना रही, इसलिए सर्वे का भी स्टडी करना। तो अब आइए एफएम। एफएम तो हम दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, मैकेनिकल वाले लौंडे और सिविल वाले, वो भी अच्छी खासी वेटेज है, ये भी ना 10 मार्क के पूछता है। और स्टील, स्टील तो सिविल वाले के लिए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा ना, तो स्टील से क्वेश्चन पूछ ही देता है। ये भी दोनों तैयारी हो जाएगा आपका, इंटरव्यू का भी और रिटेन के लिए भी। और एसएससी जेई के लिए ना एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, इससे 7 मार्क का पूछता है। और रही सॉइल मैकेनिक्स की, जो गेट में ज़्यादा वेटेज आती है, और एसएससी जेई में ना सिर्फ 5 मार्क का ही पूछा जाता है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से 4 मार्क का ही क्वेश्चन आता है, तो उसको थोड़ी सी पढ़ने की ज़रूरत है, पूरा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वेटेज नहीं है। और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी, इससे भी 3 मार्क का आता है, तो ये भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उतना डिटेल में नहीं, जितना सिलेबस में दिया है बस उतना कवर करिएगा, तो आपको क्वालिफाई मार्क आराम से आ सकते हैं।